बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल हेल्दी फूड्स। वेलकम टू हेल्दी फूड्स, ईट हेल्दी लिव हेल्दी। आज हम बनाएंगे जी बहुत ही मजे का शवारमा, जिसका नाम है जी जिंगर शवारमा। जिंगर शवारमा के लिए मैंने लिया है जी चिकन 250 ग्राम और उसको इस शेप में कट कर लिया, ठीक है, फिंगर शेप में। 1 कप मैदा है मेरे पास, 2 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर है, 5 टेबलस्पून मेरे पास दही है और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने मायोनीज डाल के, नमक और काली मिर्च डाल के इसको फेंट लिया, ठीक है। ये हमारी बन गई शवारमा सॉस। शवारमा ब्रेड है हमारे पास, बंद गोभी कट की हुई है, 1 टीस्पून मेरे पास है काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चाट मसाला और 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक डालेंगे। नमक मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 अंडा डालेंगे, 1 टेबलस्पून हमारे पास है लेमन जूस और 1 टेबलस्पून ही मेरे पास है लहसुन का पेस्ट। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन तैयार करेंगे। लेमन जूस डाल देंगे इसमें, अगर आपके पास लेमन जूस अवेलेबल नहीं है तो आप सिरका भी डाल सकते हैं। लहसुन डाल देंगे, सारे मसाले डाल देंगे और 1 अंडा तोड़ के इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, ताकि मसाले जो हैं सारे इसमें मिक्स हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी ये मिक्स हो चुका है, इसको हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितनी देर में हमारा चिकन मैरिनेट होता है हम इसकी मिक्सिंग तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैदा है जी, ये इसमें डाल देंगे, खुला बाउल लेना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कॉर्न फ्लोर डाल देंगे, और इसमें आप डालेंगे जी हम अपने पाउडर मसाले। 1/2 टीस्पून इसमें मैं डाल दूंगी जी नमक, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें मैं डाल दूंगी काली मिर्च। इन तीनों को हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। स्पाइसेस आपने ध्यान से डालना है, ज्यादा हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने सॉस में भी डाली हुई है, चिकन हमारा जो मैरिनेट हुआ हुआ है उसमें भी है। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और एक तरफ रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, हम यहाँ से इसका एक पीस उठाएंगे, कोई भी आप पीस ले लें। इसमें इस तरीके से हम इसको मसल मसल के, ये देखिए इस तरह से हम सारे कर लेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से आपने इसको इसमें कोटिंग कर लेनी है, मसल लेना है, ये देखिए, और हम एक तरफ प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह मैं सारे बना लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी जिंगर चिकन हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। 1/2 लीटर के करीब मैंने ऑयल लिया है और ऑयल आपका तेज गर्म होना चाहिए, ठीक है। हाई फ्लेम पे आपने इसको गर्म करना है और अब मैंने फ्लेम कर दी है मीडियम। मीडियम फ्लेम पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 बाय 1 हम इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं कितना गर्म है, ठीक है। 2 मिनट तक हम इसकी साइड को नहीं छेड़ेंगे, 2 मिनट बाद हम इसको चेंज करेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही ये फ्राई हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है बनाना, बस टिप्स होती हैं जिनका ख्याल करना पड़ता है। चलें जी, इतने इनफ हैं, बस हम और नहीं डालेंगे। मीडियम फ्लेम है जी, इसको हम 2 मिनट के लिए एक साइड को फ्राई होने देंगे। आपने फौरन चेंज नहीं करना वरना इसकी कोटिंग जो है वो उतर सकती है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी 2 मिनट हो चुके हैं, हम इसकी साइज चेंज करेंगे। ये देखिए मैं आपको उठा के चेक करवाती हूँ, साइज चेंज कर लेंगे जी हम इसकी और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त से क्रिस्पी हमारे जिंगर फ्राइज तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी इनको अब हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं बाकी भी फ्राई कर लूंगी। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त सा कलर आया है, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी मैं आपको चेक करवाती हूँ, बाहर से क्रिस्पी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट।
ये हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपनी पिटा ब्रेड की तरफ। तवे पे हम ऑयलिंग करेंगे थोड़ी सी, ठीक है, और ब्रेड को सेक लेंगे। ये देखिए, ठीक है, इसी तरह मैं सारी ब्रेड सेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ट्रे लिए जी हमने, इसमें हमने बटर पेपर रख दिए हैं। ये देखिए शवारमा ब्रेड रखेंगे हम, सॉस लगा देंगे, ठीक है, चिकन रख देंगे, सेंटर में रखेंगे, ठीक है, ताकि इसे क्लोज करने में आसानी रहे। बन को भी डाल देंगे, आप अपनी मर्जी की इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। दोबारा से ये डाल देंगे जी इसके ऊपर, ताकि इसका टेस्ट और भी जबरदस्त हो जाए। अब हम इसको कर देंगे जी बंद। इस तरीके से एक बटर पेपर उठाएंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इधर से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए, और इस तरीके से हम इसको बनाते आएंगे, ऐसे रोल सा बना लेंगे। ये देखिए, मैं आपको चेक करवाती हूँ कितना जबरदस्त सा हमारा शवारमा, फिंगर शवारमा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, इसी तरह मैं सारे बना लूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंगर शवारमा हमारा बनके तैयार है। बहुत ही मजेदार, क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल चिकन गला हुआ, आप देख सकते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।